स्टूडेंट्स वेलकम टू मोहित बंसल क्लासेस। देखिए बच्चों, आज की क्लास के अंदर हम लोग आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करने वाले हैं। मतलब हम लोग केस स्टडीज, केस लॉ, जो इनडायरेक्ट क्वेश्चंस एग्जाम के अंदर आते हैं, आखिर वो एग्जाम में हमें कैसे लिखने चाहिए, वे ऑफ प्रेजेंटेशन कैसा होना चाहिए, कैसे हम अपने आंसर को सही तरीके से प्रेजेंट करके ज्यादा मार्क्स सिक्योर कर सकते हैं, वो आज की क्लास में हम देखने वाले हैं। और कौन से क्वेश्चंस के थ्रू हम लोग आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करेंगे, रेगुलर टेस्ट आप लोगों के स्टार्ट हो चुके हैं सीएमए फाइनल लॉ के, तो फर्स्ट चैप्टर का टेस्ट ऑलरेडी कंडक्ट हो चुका है जो कि 45 मार्क्स का हुआ था आप लोगों का। क्लियर है बच्चों? और उसके अंदर एग्जाम पैटर्न की तरह जो सीएमए एग्जाम पैटर्न है आपका, उसी अकॉर्डिंगली आपको टेस्ट दिया गया था। तो उसके अंदर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी थे, एमसीक्यूज, उसके अलावा बच्चों उसके अंदर शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस भी थे। क्लियर है? और उसके अलावा ये शॉर्ट आंसर क्वेश्चन भी थे और लॉन्ग आंसर क्वेश्चन भी थे। तो हम जो प्रैक्टिस करने वाले हैं, ऑब्जेक्टिव्स, एमसीक्यूज आपकी कॉपीज चेक होके आप तक पहुंच चुकी होंगी या पहुंचने वाली होंगी, वो टीम आपको भेज देगी मेल के थ्रू, टेलीग्राम, व्हाट्सएप, वो आपको पहुंच जाएगी। हम प्रैक्टिस करेंगे बच्चे ये जो लॉन्ग आंसर्स के क्वेश्चंस आते हैं जिसमें हमें लंबा आंसर लिखना होता है, और ये इनडायरेक्ट क्वेश्चंस आते हैं, आखिर इसके अंदर हमें कैसे लिखना चाहिए वो हम देखने वाले हैं। तो देखिएगा स्टूडेंट्स, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बच्चों हम लोग क्वेश्चन को समझने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले देखिए फर्स्ट क्वेश्चन आपका क्या बोल रहा है। लॉन्ग आंसर्स के क्वेश्चंस हैं, इसमें फर्स्ट क्वेश्चन को देखिएगा। पहले क्वेश्चन इजीली समझ लो अच्छे से, फिर आंसर लिखने का तरीका हम लोग स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन पूछ रहा है, कैन अ कंपनी चेंज इट्स ऑब्जेक्ट फॉर विच मनी इज रेज्ड फ्रॉम पब्लिक। कंपनी ऑब्जेक्ट चेंज करना चाहती है पर अपना मेन ऑब्जेक्ट चेंज नहीं करना चाहती। कंपनी वो ऑब्जेक्ट चेंज करना चाहती है जिसके लिए कंपनी ने पब्लिक से पैसा रेज किया है, उस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट को चेंज करना चाहती है। क्लियर है चीज? तो आपको ये बताना है, क्वेश्चन पूछ रहा है कि क्या कोई कंपनी उस ऑब्जेक्ट को अल्टर कर सकती है जिस ऑब्जेक्ट को बताकर पब्लिक से पैसा रेज किया गया था। एग्जाम्पल के तौर पे सपोज कीजिए, एयरटेल कंपनी का मेन ऑब्जेक्ट है टेलीकॉम सेक्टर के अंदर जो सर्विसेज प्रोवाइड करना कस्टमर्स को, लेकिन एयरटेल, ये इसका मेन ऑब्जेक्ट टेलीकॉम सेक्टर के अंदर काम करना, लेकिन इसने पब्लिक के सामने ये एक प्रोजेक्ट लेकर आई थी और इसने बोला था अगर आप लोग पैसा जमा कराते हो तो उस पैसे को हम किसी पर्टिकुलर प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करेंगे, है ना, और उस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट में पैसा इन्वेस्ट किया जाएगा, वहां से प्रॉफिट कमाया जाएगा, आपको पब्लिक को आपका पूरा पैसा वापस किया जाएगा प्लस साथ में कुछ इंटरेस्ट भी वापस किया जाएगा, ये बोलकर एयरटेल कंपनी ने पब्लिक से पैसा रेज किया। सपोज कीजिए एयरटेल ने बोला था कि भैया हम तो एक नया टावर लगाएंगे बहुत बड़ा, या एक सिटी बना देंगे, एक ऐसा पार्क बना देंगे जहां पर जितने भी टेलीकॉम जो टावर होते हैं वो सोलर के थ्रू चलेंगे, उसमें इलेक्ट्रिसिटी नहीं चाहिए होगी। पब्लिक से 100 करोड़ रुपए ले लिए, 100 लोगों ने 1-1 करोड़ रुपया एयरटेल को जमा करा दिया। क्यों जमा कराया, किस ऑब्जेक्ट के लिए, कि इस टावर को इन्वेस्ट करने के लिए एयरटेल यूज मिलेगी, पैसा आ चुका है एयरटेल के पास। क्वेश्चन आपसे ये पूछ रहा है, क्या एयरटेल कंपनी, अब एयरटेल कंपनी ने जो 100 करोड़ रुपया पब्लिक से एक्सेप्ट किया इस ऑब्जेक्ट के लिए, टावर लगाने के लिए, क्या इस ऑब्जेक्ट को चेंज कर सकती है एयरटेल कंपनी? ये बोल सकती है हम टावर नहीं लगाने वाले हैं बल्कि जो पैसा इकट्ठा हुआ है उसको हम किसी दूसरे ऑब्जेक्ट में यूज करना चाहते हैं, क्या ये पॉसिबल है? क्वेश्चन ये पूछ रहा है। दूसरा क्वेश्चन ये भी पूछ रहा है कि क्या इसके कुछ एक्सेप्शंस होते हैं। तो स्टूडेंट्स देखिए, आंसर इसका आप लोगों को पता है, पहले मैं आप लोगों को एक छोटा सा समरी बता रहा हूं आंसर की, फिर मैं आपको लिखने का उसका तरीका बताऊंगा प्रॉपर तरीके से, पर आपके दिमाग में पहले क्लियर होना चाहिए आंसर क्या है। इसका आंसर यह है कि जी हाँ, अगर कोई भी कंपनी पब्लिक से पैसा एक्सेप्ट करती है किसी पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट के लिए और पब्लिक से पैसा ले चुकी है,
तो जिस ऑब्जेक्ट के लिए पब्लिक से पैसा लिया गया है उस ऑब्जेक्ट को कंपनी चेंज कर सकती है, उसकी बजाय किसी दूसरे ऑब्जेक्ट में उस डिपॉजिटेड पैसे को, रेज्ड मनी को इन्वेस्ट कर सकती है। पर उसके लिए कंडीशन होती है, जितने लोगों ने पैसा जमा कराया है, जैसे 100 लोगों ने पैसा जमा कराया, उनकी पर्टिकुलर जनरल मीटिंग बुलाई जाए और उनसे स्पेशल रिजोल्यूशन पास करवा के अप्रूवल ली जाए, तो कंपनी उस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट को चेंज कर सकती है। ये आंसर है। एक्सेप्शन क्या होता है कि कंपनी ने जितना पैसा रेज किया, सपोज 100 करोड़ रुपया आया कंपनी के पास पब्लिक से, उसमें से एक सिंगल पैनी, एक पैसा, एक चवन्नी, एक धेला भी कंपनी ने यूज नहीं लिया हो, टोटल की टोटल मनी अनयूटिलाइज्ड है। मतलब सपोज कंपनी ने बोला था कि हम टावर लगाने के लिए पैसा यूज में लेंगे और 100 करोड़ रुपया कंपनी ने रेज कर लिया, तो उस पहले वाले ऑब्जेक्ट के लिए कंपनी ने एक सिंगल रुपया भी अभी तक यूटिलाइज नहीं किया है, टोटल मनी अभी तक अनयूटिलाइज्ड है। तो ही बच्चों ऑब्जेक्ट चेंज किया जा सकता है, अदरवाइज नहीं। ये आंसर है। अब हम इसे लिखेंगे कैसे एग्जाम? तो बच्चों जब भी कभी भी हमें लॉन्ग आंसर्स लिखने होते हैं या केस स्टडीज के आंसर लिखने होते हैं, तो बच्चा आंसर हमेशा आपको 3 पार्ट में लिखना चाहिए। आंसर हमेशा 3 पार्ट में लिखना चाहिए। जो आपका पार्ट 1 होता है ना, उसके अंदर डायरेक्टली एक्चुअल आंसर आ जाता है। एक्चुअल आंसर का मतलब लॉ का प्रोविजन आता है उसमें। क्वेश्चन जिस लॉ के प्रोविजन से रिलेट करता है वो आ जाना चाहिए। अभी मैं लिखवाऊंगा आपको लाइव, पहले समझ लीजिए। जब भी कभी भी कोई केस स्टडी आई है या इनडायरेक्ट क्वेश्चन आया है, तो बच्चों याद रखिएगा आंसर आपको 3 पार्ट में लिखना चाहिए। सबसे बेस्ट प्रेजेंटेशन होता है। जो पार्ट 1 होगा आपका, वो लॉ के प्रोविजंस लिख दो उसके अंदर। क्वेश्चन जिससे रिलेट करता है वो लॉ के प्रोविजन लिख। पार्ट 2 के अंदर उस क्वेश्चन की प्रेजेंट कंडीशन समझाओ, एंड पार्ट 3 के अंदर कंक्लूजन लिखो। याद रखिएगा जब भी लिखना है 3 पार्ट में लिखिए। पार्ट 1 के अंदर जो प्रोविजन है कानून के अंदर, एक्ट के अंदर लिखा है वो लिख दो। उससे क्या होगा, चेक करने वाले को इंस्टेंटली पता चलेगा हाँ ये सही सेक्शन यूज कर रहा है, सही प्रोविजन यूज कर रहा है, वो आगे पढ़ना स्टार्ट करेगा। अदरवाइज वो आपकी कॉपी को पढ़ना स्टार्ट नहीं करेगा, वो काट देगा आंसर। सेकंड प्रेजेंट कंडीशन लिखो जो क्वेश्चन में दी गई है, एंड थर्ड कंक्लूजन लिखो। अब हम इसका आंसर लिखना स्टार्ट करते हैं। आप लोग चाहो तो अपनी कॉपी निकाल सकते हो, मेरे साथ में लिख सकते हो, अदरवाइज आपके पास में वीडियो रिकॉर्डेड वीडियो भी रहने वाला। देखिएगा बच्चों आंसर मैं आपको बता चुका हूं, अब हम लिखेंगे कैसे। आंसर लिखना स्टार्ट करते। एज पर दी प्रोविजंस ऑफ, एज पर दी प्रोविजंस ऑफ सेक्शन 13। क्यों है ये सेक्शन 13? क्योंकि ऑल्टरेशन ऑफ मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन के अंदर फॉलो हो रहा है। एज पर दी प्रोविजंस ऑफ सेक्शन 13 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013, फर्स्ट पॉइंट, अ कंपनी कैन चेंज, अ कंपनी कैन चेंज इट्स ऑब्जेक्ट फॉर विच मनी इज रेज्ड फ्रॉम पब्लिक, मनी इज Raised from public by following prescribed conditions। अब वो prescribed conditions क्या है वो लिखिए। अभी तक क्या लिखा हमने, मैं समझा देता हूं। अभी तक हमने लिखा कि कंपनीज एक्ट 2013 का जो सेक्शन 13 है उसके अंदर ये लिखा हुआ है कि कोई भी कंपनी जिसने पब्लिक से पैसा रेज किया है वो उस ऑब्जेक्ट को चेंज कर सकती है कुछ कंडीशंस को फॉलो करके। अब वो कंडीशंस क्या है,
क्लियर है बच्चों? यहां तक जो मैंने लिखा बच्चों, इसको मैं अब रब कर रहा हूं क्योंकि स्पेस कम है मेरे पास में, यहां पर मैं इसको रब कर रहा हूं। इसके नीचे आएगा ए पॉइंट, है ना? तो ए पॉइंट आएगा, कौन कौन सी फॉलोइंग कंडीशन है? जनरल मीटिंग मस्ट बी हेल्ड ऑफ दोज पर्सन हु डिपॉजिटेड द मनी। जिन लोगों ने पैसा डिपॉजिट किया है सिर्फ उनकी मीटिंग बुलाई जाएगी, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, स्पेशल रिजोल्यूशन मस्ट बी पास्ड इन दैट जनरल मीटिंग। थर्ड पॉइंट स्पेशल रिजोल्यूशन मस्ट बी रजिस्टर्ड विद ROC बाय फाइलिंग ई फॉर्म MGT 14 within 30 days। पढ़ाया है ना, जब भी स्पेशल रिजोल्यूशन पास होता है तो उसकी एक कॉपी ROC के पास में फाइल करी जाती है, ई फॉर्म MGT 14 के अंदर अटैच करके फाइल करी जाती है within 30 days। क्लियर ये चीज? तो अभी तक हमने लिखा अकॉर्डिंग टू सेक्शन 30, अकॉर्डिंग टू द प्रोविजंस ऑफ सेक्शन 30, एक कंपनी ऑब्जेक्ट चेंज कर सकती है जिसके लिए पैसा रेज किया गया है, जनरल मीटिंग बुलानी पड़ेगी, स्पेशल रिजोल्यूशन पास करना पड़ेगा, उसकी एक कॉपी ROC को फाइल करनी पड़ेगी। ये फर्स्ट पॉइंट के सब पॉइंट्स लिखे थे हमने, फर्स्ट पॉइंट के सब पॉइंट्स लिखे थे। अब मेन सेकंड पॉइंट आ जाएगा, मेन सेकंड पॉइंट। बट इफ कंपनी हैज यूज्ड raised money, then object cannot be changed. लेकिन अगर कंपनी ने जो पैसा रेज हुआ है वो यूज कर लिया तो कंपनी ऑब्जेक्ट को चेंज नहीं कर सकती, ये एक्सेप्शन हो गया। क्वेश्चन के अंदर पूछा था कि क्या कंपनी चेंज कर सकती है, हमने वो भी बताया। क्वेश्चन में ये भी पूछा गया है कि क्या इसका कोई एक्सेप्शन है, हाँ जी एक्सेप्शन है, पैसा यूज कर लिया तो नहीं कर सकती। ये बच्चों फर्स्ट पार्ट था, मैंने आपको बोला था आंसर को तीन पार्ट में लिखना है, ये फर्स्ट पार्ट था जिसके अंदर हमने एग्जैक्ट अपना प्रोविजन लिख दिया। आपकी कॉपी चेक करने वाले ने जब इसको पढ़ा तो उसमें समझ में आ गया बंदा स्टूडेंट राइट ट्रैक पर है, सही बात बोल रहा है। क्लियर है? अब इसके अंदर, हालांकि ये क्वेश्चन तो डायरेक्ट क्वेश्चन है, अगर ये केस स्टडी में होता तो इसके अंदर हम सेकंड पैरा पर आ जाते। सपोज कीजिए क्वेश्चन कुछ इस तरह का होता कि ABC लिमिटेड कंपनी जिसने पैसा रेज किया अब वो अल्टर करना चाहती है ऑब्जेक्ट को, तो हम उसमें प्रेजेंट कंडीशन लिखते कि इन द गिवन सिचुएशन, ये सेकंड पैरा है, इन द गिवन सिचुएशन ABC लिमिटेड कंपनी डिजायर टू चेंज इट्स ऑब्जेक्ट। ये सेकंड पैरा हो गया जिसके अंदर हमने क्वेश्चन की कंडीशन बता दी, वो डिपेंड करता है क्वेश्चन के ऊपर कि क्वेश्चन में क्या कंडीशन है। और लास्ट आएगा थर्ड पैरा कंक्लूजन, उसमें आपको लिखना है फ्रॉम द अबव एक्सप्लेनेशन, From the above explanation, it is clear that company can change object आगे after fulfilling prescribed condition, जो condition हमने बताई उनको follow करके। देखिए बच्चों एक चीज समझिएगा, अब आप पहली बार तो ये आपको समझ में आया कि जब भी case study, अभी हम और लिखेंगे, मैं और भी क्वेश्चन का आंसर आपको समझाने वाला हूं लिखवाने का। बच्चों इसमें मैंने आप लोगों को बताया कि तीन पैराज में हम क्यों लिखते हैं, क्योंकि जो बंदा आपकी कॉपी चेक करता है ना वो सबसे, उसका टाइम बहुत प्रीशियस है बच्चों, वो आपकी कॉपी इसलिए, प्रैक्टिकल बात सुनिए,
हो सकता है नेगेटिव लगे, बुरी लगे आपको बात, पर ये सच है। जो पर्सन आपकी कॉपी चेक कर रहा है वो इसलिए चेक नहीं कर रहा है कि आप सीएमए बन के देश का उद्धार कर दोगे, उसे कोई लेना देना नहीं है इस बात से। वो इसलिए चेक कर रहा है क्योंकि चेक करने का पैसा मिलता है, उसको पर्टिकुलर कॉपीज दी जाती है चेक करने के लिए, जो काफी सारी कॉपीज होती है, उसको एक कॉपी चेक करने का कुछ सर्टेन अमाउंट दिया जाता है और उसे कुछ डेज दिए जाते हैं, दिन दिए जाते हैं, इतने दिन के अंदर कॉपी चेक कर। वो चाहता है कि मैं जल्दी से जल्दी इस कॉपी को चेक कर दूं, सभी कॉपीज को, और अपना पैसा अर्न कर। और वो ये चाहता है कि जब आपकी कॉपी के अंदर आंसर देखे तो सबसे पहली बात तो जब वो आपके आंसर को पढ़ना स्टार्ट करे तो उसको ये क्लिक हो जाए ऑन द स्पॉट कि क्वेश्चन का आंसर जो बच्चे ने दिया है वो सही ट्रैक पर जा रहा है, मुझे आंसर पढ़ लेना चाहिए। आप उसको आपने ये कहावत सुनी है, पहले सुनी होगी शायद ये कहावत कि एग्जामिनर जो चेक करता है कॉपी को वो तो शुरू का पढ़ता है और एंड का पढ़ता है, बीच का नहीं पढ़ता। उसका एग्जैक्ट रीजन ये होता है कि वो शुरू का इसलिए पढ़ता है कि वो जानना चाहता है क्या आप आंसर को सही ट्रैक पर लेकर जा रहे हो, क्या पढ़ू मैं पूरे को, है पढ़ने लायक। आपने अगर फर्स्ट पैरा डायरेक्टली एकदम एक्यूरेट लॉ लिख दिया ना, प्रोविजन लिख दिया लॉ का जो क्वेश्चन से बिलोंग करता है, तो उसमें उसको समझ में आ जाएगा यार ये सही प्रोविजन लग रहा है, अब मैं पूरे को पढ़ लेता। सेकंड पैरा में प्रेजेंट सिचुएशन को बताओ कि ये कंपनी ऐसा ऐसा करना चाहती है, ऊपर मैंने लॉ बता दिया कि कोई भी कंपनी अगर करना चाहती है तो वो प्रोविजन फुलफिल करके ऑब्जेक्ट चेंज कर सकती है। हमारे क्वेश्चन में फलानी एयरटेल कंपनी ऑब्जेक्ट चेंज करना चाहती है, कंक्लूजन में लिखो हेंस फ्रॉम द अबव एक्सप्लेनेशन इट्स क्लियर कि एयरटेल कंपनी या फलानी कंपनी ऑब्जेक्ट चेंज कर सकती है। पहली बात, तीन पैरा में आपने केस स्टडी का आंसर लिखा। दूसरी सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट बात याद रखिएगा बच्चों, जब भी आप आंसर लिखो हमेशा आपकी कोशिश होनी चाहिए कि आपके आंसर पॉइंट्स में, हमेशा आपकी कोशिश होनी चाहिए बच्चों कि आपके आंसर ज्यादा से ज्यादा आंसर पॉइंट में, क्योंकि एक बहुत ही बेसिक है, आप खुद सोचिए अगर आप एग्जामिनर होते हैं आप कौन सी कॉपी के रिगार्डिंग वो इंप्रेस कौन सी कॉपी करती है आपको, जिसमें एक पैरा यहां से स्टार्ट हो रहा है और फिर यहां पे खत्म हो रहा है, चलता चला जा रहा है, या फिर पॉइंट वाइज उसके अंदर आंसर लिखा है, वो इजी रहता है, पढ़ने में मजा आता है, समझ रहे हो ना। जैसे आज के टाइम पर बहुत कम लोग हैं जो न्यूज़पेपर पढ़ना चाहते हैं, लेकिन चाचा चौधरी की कॉमिक्स को सब पढ़ना चाहते हैं क्योंकि उसमें प्रेजेंटेशन बहुत अच्छा है। क्लियर ये चीज यहां तक? तो पहले तो स्टूडेंट्स मेरे को आप लोग चैट पर ये बताओ कि ये वाला जो मैंने क्वेश्चन का आंसर समझाया लिखने का तरीका, क्या थोड़ा बहुत समझ में आया? ये हम लोगों ने पहला टेस्ट लिया है, आप लोगों का ये पहला टेस्ट है आपके बैच का, तो इसका प्रेजेंटेशन आपको जो सिखाया जा रहा है लाइव क्लास, ये अभी अपनी फर्स्ट क्लास है, ऐसा हर टेस्ट के बाद में लाइव क्लास चलेगी, आपको धीरे धीरे सब प्रैक्टिस हो जाएगी। एक बार चैट पर मुझको ये बताइए क्या यहाँ तक की कहानी आपको समझ में आई, थोड़ा बहुत लिखने का तरीका समझ में आया कि पॉइंट्स में लिखना है और तीन पैराज में डिवाइड करके लिखना है, फिर अपन नेक्स्ट क्वेश्चन को भी यहाँ पर सॉल्व करेंगे। ठीक है, मेरे पास में रिप्लाई आ रहे हैं बच्चों के कि ठीक है सर यहाँ तक की कहानी समझ में आ गई है, क्लियर है, ओके। अब चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक, देखिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, बड़े आराम से पढ़िएगा। बी को लेकर चलते हैं ना, ये इस बी वाले क्वेश्चन के अंदर दो क्वेश्चंस दिए हुए हैं, एक क्वेश्चन यहां से यहां तक है और दूसरा क्वेश्चन यहां से यहां तक है, दो क्वेश्चन मिक्स करके दिए हुए हैं। पहले हम एक ही को समझते हैं फिर हम बाद में दूसरे को देख लेंगे, क्योंकि ये सेकंड वाला जो पार्ट है ना वो डायरेक्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन देखिएगा क्या बोल रहा है। ये बोल रहा है एक एक्स वाई जेड लिमिटेड नाम की निधि कंपनी है जिसने अपने मेंबर्स से डिपॉजिट एक्सेप्ट किया, पैसा एक्सेप्ट किया 3 महीने के लिए। एक निधि कंपनी है एक्स वाई जेड लिमिटेड नाम की, आपको पता है निधि कंपनीज अपने मेंबर से पैसा एक्सेप्ट करती हैं, बिल्कुल पढ़ा है हमने। तो निधि कंपनी ने अपने मेंबर से पैसा एक्सेप्ट किया 3 मंथ्स के लिए। अब क्योंकि निधि कंपनी ने 3 महीने के लिए पैसा एक्सेप्ट किया
तो उसका कॉन्सिक्वेंस मतलब रिजल्ट क्या निकला कि उस निधि कंपनी के पास में एक लीगल नोटिस आया गवर्नमेंट से कि भैया तुमने लॉ तोड़ा है, तुमने लॉ का वायलेशन किया है। दोबारा से बोलता हूं, एक एक्स वाई जेड लिमिटेड नाम की निधि कंपनी है बच्चे, जिसने अपने मेंबर से फिक्स डिपॉजिट एक्सेप्ट किया, 3 महीने के लिए एक्सेप्ट किया, 3 महीने के लिए, इसी में आंसर छुपा है। तो क्योंकि उसने 3 महीने के लिए डिपॉजिट एक्सेप्ट किया, तो अथॉरिटी ने उसके पास एक लीगल नोटिस भेजा कि भैया तुमने लॉ वायलेट कर दिया, इनफ्रिंज कर दिया। क्वेश्चन आपसे यह पूछ रहा है, क्या सच में एक्स वाई जेड लिमिटेड ने लॉ इनफ्रिंज किया है? इसको समझाइए। ये एक पार्ट है इस क्वेश्चन का, हम इसका आंसर देखेंगे क्योंकि ये इनडायरेक्ट। मैं आपको पहले आंसर बता देता हूं, आंसर की समरी, फिर हम अपना वे ऑफ प्रेजेंटेशन लिखने का स्टार्ट करेंगे। पहले माइंड में आंसर क्लियर। इसका आंसर ये है कि जी हां, ये जो लीगल नोटिस आया है गवर्नमेंट से, बच्चों ये जो लीगल नोटिस गवर्नमेंट से आया है ये एकदम सही आया है। मेरी अगर वीडियो थोड़ा सा बंद हो गया है तो टेक्निकल प्रॉब्लम है, कोई प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाएगा दोबारा, कोई दिक्कत नहीं। आप इतना समझ लो कि बच्चे अगर एक्स वाई जेड लिमिटेड के पास में गवर्नमेंट से लीगल नोटिस आया तो बिल्कुल सही नोटिस आया है। सर सही क्यों आया है? इसकी वजह है भैया, इसकी वजह यह है कि कोई भी निधि कंपनी, बड़े ध्यान से सुन लेना बच्चों, कोई भी निधि कंपनी जब अपने मेंबर्स से पैसा एक्सेप्ट करती है तो कम से कम 6 महीने के लिए एक्सेप्ट करती है और मैक्सिमम 60 महीने के लिए एक्सेप्ट करती है। ये पढ़ाया हुआ है। तो निधि कंपनी को कम से कम 6 मंथ्स के लिए पैसा एक्सेप्ट करना पड़ता है और यहां पर निधि कंपनी ने अपने मेंबर से 3 महीने के लिए पैसा एक्सेप्ट किया। लॉ तो वायलेट कर दिया भाई, नोटिस उसके पास में सही आया। अब हमें बच्चों इसका आंसर लिखना है। अच्छा, इसका आंसर लिखने से पहले एक और चीज मैं डिस्कस कर दूं आपके साथ में। आप बोलोगे कि चलिए सर आपकी बात को मान लेते हैं, आपने क्लास में पढ़ाया था कि भैया कम से कम 6 महीने के लिए पैसा एक्सेप्ट करना जरूरी है, निधि कंपनी इससे कम के लिए, कम टाइम के लिए एक्सेप्ट नहीं कर सकती। पर सर एक सिचुएशन आपने पढ़ाई थी हमको, उसमें तो आपने 6 महीने से कम के लिए भी पैसा एक्सेप्ट करना बताया था। अरे भाई, अगर क्वेश्चन वो एक्सेप्शन था, अगर क्वेश्चन के अंदर, और वो लिमिट पे डिपेंड करता था, उसके अंदर मैंने आपको लिमिट पढ़ाई थी कि अगर इतना डिपॉजिट एक्सेप्ट कर रहा, इतने अमाउंट का डिपॉजिट, क्वेश्चन में ऐसा कहीं नहीं दिया। क्वेश्चन एकदम सिंपल आया है, क्वेश्चन क्लियरली हमको ये बोल रहा है कि भैया तुम नॉर्मल प्रोविजन में बताओ 6 महीने को कितना टाइम का डिपॉजिट है। तो बच्चों याद रखिएगा, हालांकि एक सिचुएशन आपको पढ़ाई हुई है चैप्टर के अंदर जहां पर मैंने ये बताया है कि निधि कंपनी 6 महीने से कम के लिए भी पैसा एक्सेप्ट कर सकती है, उसमें 3 महीने वाला मैंने टाइम बताया है, लेकिन वो एक्सेप्शन है, वो कुछ कंडीशंस पर डिपेंड करता है, उसके अंदर जो पैसा डिपॉजिट होता है उसकी एक पर्टिकुलर लिमिट होती है, क्वेश्चन के अंदर कहीं भी नहीं दिया हुआ है। अगर आपके एग्जाम में क्वेश्चन क्लियरली वो लिमिट शो करता है और तब पूछता है कितने टाइम के लिए निधि कंपनी पैसा एक्सेप्ट कर सकती है, उसमें आंसर 3 मंथ्स होगा। यहां पर सिंपल क्वेश्चन आया है, यहां पर आपको सिंपल प्रोविजन लेके चलना है, कम से कम 6 महीने, मैक्सिमम 60 महीने, उसके हिसाब से आंसर लिखना है। तो पहले तो बच्चे चैट पर यह बताओ आंसर क्लियर है क्या? लिखने का तरीका अभी मैं समझाने वाला हूं आपको। बच्चे पहले तो मेरे को ये बताओ, आप जितने भी स्टूडेंट्स, क्या ये बात आपको समझ में आई, आंसर क्या है? आंसर ये है कि निधि कंपनी को कम से कम 6 महीने के लिए डिपॉजिट एक्सेप्ट करना जरूरी है। आपके दिमाग में ये डाउट नहीं आना चाहिए कि सर हमने तो एक सिचुएशन पढ़ी थी जहां पर 3 महीने के लिए भी निधि कंपनी डिपॉजिट एक्सेप्ट कर सकती है, क्योंकि पढ़ी है वो सिचुएशन, पर वो एक्सेप्शन है, वो कंडीशंस पर डिपेंड करती है, क्वेश्चन में कहीं भी नहीं कोई कंडीशन दी हुई है। हम इस क्वेश्चन को सिंपल प्रोविजन से लेते हुए चलेंगे। अगर क्वेश्चन में क्लियरली कोई कंडीशन आती तो उस केस में हम 3 महीने लेंगे। अब क्वेश्चन का आंसर लिखेंगे बच्चे, देखिए 3 पैराज में लिखना है। फर्स्ट पैरा स्टार्ट करते हैं।
एज पर दी, बच्चे आप चाहो तो कॉपी में लिख भी सकते हो या रिकॉर्डेड क्लासेस तो रही, एज पर दी प्रोविजंस ऑफ। अच्छा, बहुत बार ऐसा भी होता है बच्चों, हालांकि इसमें तो आप चाहो तो सेक्शन 405 लिख सकते हो, 405 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013। बहुत बार ऐसा होता है कि किसी बच्चे को सेक्शन याद नहीं होता, वो बोलता है कि सर मेरे को सेक्शन याद नहीं है, आपने तो स्टार्टिंग करना जो सिखाया है वो बोल रहे हो एज पर दी प्रोविजन ऑफ सेक्शन, जो भी पर्टिकुलर सेक्शन है, जैसे इसमें 405 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013 2013, पर सर मुझे तो सेक्शन याद नहीं है। नहीं है तो ये लाइन लिख लो, पर्सुएंट टू दी प्रोविजंस ऑफ, पर्सुएंट टू दी प्रोविजंस ऑफ कंपनीज एक्ट 2013। सेक्शन जब तक, एक चीज याद रखना बच्चों, सेक्शन जब तक माइंड में 100% क्लियर ना हो ना, लिख मत देना गलती से। लिखने से मार्क्स मिलेंगे नहीं मिलेंगे पता नहीं, गलत लिखने से कटेंगे ये गारंटी। पर्सुएंट टू दी प्रोविजंस ऑफ कंपनीज एक्ट 2013 फर्स्ट पॉइंट, निधि कंपनी कैन एक्सेप्ट डिपॉजिट्स फ्रॉम इट्स मेंबर्स, फर्स्ट पॉइंट, डिपॉजिट्स शुड बी एक्सेप्टेड फॉर मिनिमम, या ऐसे लिख दो फॉर मिनिमम या फॉर नॉट लेस देन, जैसे चाहो वैसे लिख सकते, मिनिमम 3 months, सॉरी 6 months, बट मैक्सिमम अप टू 60 months। ये फर्स्ट पैरा हो गया बच्चों हमारा, ये फर्स्ट पैरा हो गया यहां पर। अब हम अपने सेकंड पैरा पर चल रहे हैं, ठीक है, मैं पेन चेंज कर रहा हूं जिससे आपको और चीजें क्लियर। इन गिवन सिचुएशन, इन गिवन सिचुएशन XYZ लिमिटेड कंपनी बीच में ब्रैकेट के आगे लिख दो निधि, एक्सेप्टेड डिपॉजिट्स, एक्सेप्टेड डिपॉजिट्स फॉर 3 months, एक्सेप्टेड डिपॉजिट्स फॉर 3 months, और उसके आगे लिख दो रिजल्ट ऑफ विच, या कॉन्सिक्वेंस ऑफ विच रिसीविंग द लेटर लीगल नोटिस फ्रॉम अथॉरिटी, आगे ये लिख सकते हैं रिसीविंग द लीगल नोटिस फ्रॉम अथॉरिटी। ये सेकंड पैरा, पहले पैरा में हमने एक्चुअल आंसर लिखा, सेकंड पैरा में हमने सिचुएशन बता दी कि भैया हमसे क्वेश्चन ये पूछ रहा है, हमसे क्वेश्चन ये बोल रहा है एक्स वाई जेड लिमिटेड नाम की निधि कंपनी ने 3 महीने के लिए डिपॉजिट एक्सेप्ट किया जिसका रिजल्ट ये उसके पास लीगल नोटिस आ गया। अब आ जाएगा कंक्लूजन, हेंस फ्रॉम द अबव एक्सप्लेनेशन इट इज, मैं बच्चों जल्द शॉर्ट में लिख रहा हूं क्योंकि मेरे को पेपर नहीं देना, आपको सब कुछ फुल में लिखना है ना। हेंस फ्रॉम द अबव एक्सप्लेनेशन इट इज क्लियर दैट लीगल नोटिस इज वैलिड एंड एक्स वाई जेड हैज वायलेटेड द लॉ। अब बच्चों ये जो आंसर हमने लिखा है ना, यही आंसर आप लिखते, आप जब कॉपी में लिखते ना एग्जाम कॉपी में, आप भी यही लिखते, बस प्रेजेंटेशन का तरीका थोड़ा सा उबड़ खाबड़ होता, ऊपर नीचे करते। अब आप खुद सोचिए, ये जो हमने आंसर लिखा इसमें स्टार्टिंग में हमने लॉ लिख दिया, स्टार्टिंग में मेन आंसर लिख दिया, जब बंदा आपकी एग्जामिनर आपकी कॉपी को पढ़ेगा ना तो वो सबसे पहले जब सेम उस प्रोविजन पे जाएगा वो बोलेगा हाँ भैया इसकी कॉपी आगे तक पढ़ता हूँ, इसका पूरा आंसर पढ़ता हूँ क्योंकि ये सही लिख रहा है यार, फिर वो आपका पूरा पढ़ेगा।
अगर आप, मैंने पता ज्यादातर क्या देखा है अपना एक्सपीरियंस में, मैंने ये देखा है ज्यादातर बच्चे क्या करते हैं, जो सेकंड पैरा है ना उसे स्टार्टिंग में लिखते हैं कि इन दी गिवन सिचुएशन एक्स वाई जेड कंपनी ऐसा ऐसा कर रही है। अरे वो मत बताओ उस एग्जामिनर को, वो पता है उसको क्वेश्चन क्या पूछ रहा है। फर्स्ट पैरा मेन आंसर लिखो यार, जो सिचुएशन है उसे सेकंड पे लाओ। तो बच्चों इस तरीके से अपने को आंसर लिखना होता है। ये आज फर्स्ट चैप्टर का टेस्ट हुआ था बच्चों अपना, उसकी वजह से ये केस स्टडीज के आंसर राइटिंग प्रैक्टिस है। फिर हमारा सेकंड चैप्टर का होगा, उसके बाद दोबारा होगी, थर्ड चैप्टर का होगा, उसके बाद दोबारा होगी। तो धीरे धीरे अपने आप आपको समझ में आने लगे। एक बार चैट पर बता दो बच्चों यहां तक समझ में आया, बाकी का फिर हम सेकेंड वाला जब टेस्ट लेंगे तो उसके आंसर की राइटिंग की प्रैक्टिस करेंगे, थर्ड वाला होगा उसके आंसर की राइटिंग की। क्लियर है? तो एक बार बच्चों चैट पर मुझे बता दो ताकि फिर मैं यहां पर ये जो लाइव क्लास है उसको मैं एंड करूं। हाँ क्लियर है, ठीक है बच्चों, ये रिकॉर्डेड क्लास आपके पास में अवेलेबल रहेगी, लिंक्स आपके पास में ऑलरेडी है। ठीक है, तो चलिए बच्चों मिलते हैं फिर अपन नेक्स्ट, जब सेकेंड टेस्ट है उसकी प्रिपरेशन कीजिए, सेकेंड चैप्टर के टेस्ट की, और उसके बाद में उसके आंसर की राइटिंग की प्रैक्टिस करेंगे। चलिए बच्चों, ओके बच्चों, मिलते हैं बाद में। थैंक यू, टेक केयर, गुड नाइट।